टाटा मोटर्स ने 2023 के ऑटो एक्सपो में बहुत सारी गाड़ियों को शोकेस किया है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, टाटा अवेन्या, टाटा कर्व, टाटा सियारा, टाटा ब्लैकबर्ड, टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच, मतलब क्या ही बोले, इतने सारे नाम हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल आप लोगों के लिए है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, और जितने नए लोग हैं लोग प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना आप लोग, और चैनल को लाइक कर देना। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए, ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाते रहते हैं। टाटा ब्लैकबर्ड, इस गाड़ी में क्या क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह है, क्या इसके डायमेंशन है, क्या कुछ मिलने वाला है इस गाड़ी में, पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। एंड चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। टाटा ब्लैकबर्ड एक मिड साइज की एसयूवी रहने वाली है। लॉन्च डेट अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 14 दिसंबर तक की ये 2023 में लॉन्च हो जाएगी, और इसमें एक ईवी वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस गाड़ी में आपको क्या कुछ मिलता है, तो 1.5 लीटर का इंजन जो है देखने को मिल जाता है, 4 सिलेंडर इंजन देगी, अपडेटेड इंजन होगा, बहुत ही मस्त गाड़ी होगी। और वहीं पर ये गाड़ी सब 4 मीटर एसयूवी होगी। प्राइस पॉइंट की बात करें, 7,60,000 रुपए से लेके 14,07,000 रुपए का एक्स शोरूम प्राइस पॉइंट रहने वाला है। गाड़ी के डायमेंशंस की बात करें या फ्रंट की बात करें, टाटा का लोगो मिलता है, DRL मिलती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, एरोडायनेमिक जो ग्रिल है वो देखने को मिल जाती है, सनरूफ इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी के प्राइस पॉइंट या एक्सपेक्टेड जो है वो क्या है, तो एक्सपेक्टेड जो एक्स शोरूम प्राइस पॉइंट जो रहने वाले हैं टॉप एंड वेरिएंट के, वो 11 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक के रहने वाले हैं। इतना ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे, लेकिन नेक्सॉन जैसे फील होगी, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा टाटा ब्लैकबर्ड में। 18 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे, पीछे में डीप फॉगर वाइपर, स्पॉइलर, मतलब इतने सारे फीचर्स जो है इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। और ये गाड़ी XUV400 इलेक्ट्रिक जो आई है उसको दाद दे देगी, लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। आप लोग इस गाड़ी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये गाड़ी इंडियन मार्केट में टाटा की लॉन्च होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे और भी ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।